गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पेज नंबर 79 पढ़ते हैं। 79 में गधे की सूझबूझ। एक गधा मैदान में हरी हरी कोमल घास चर रहा था। अचानक उसने एक बाघ को अपनी ओर आते देखा तो घबरा गया। उसने सोचने लगा कि अब प्राण कैसे बचाऊं। तभी उसे एक कहावत याद आई, बुद्धि से बल को हराया जा सकता है। तो बच्चों, एक गधे की कहानी है और ये गधा जो है मैदान में हरी हरी घासें खा रहा था। उसी समय एक बाघ उसकी ओर आ रहा था और उसे आते हुए देखा तो बहुत ही घबरा गया और सोचने लगा कि मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। तभी उसको एक कहावत याद आती है कि बुद्धि से बल को हराया जा सकता है, यानी दिमाग है तो बलवान व्यक्ति को हम हरा सकते हैं। वह खुशी से उछल पड़ा और कहावत को काम में लाने की ठान ली। उसने एक उपाय सोचा। गधे ने अपने पिछले एक पैर से लंगड़ाकर चलना शुरू कर दिया। बाघ ने गधे के पास आकर पूछा, क्यों भाई गधे, तू लंगड़ाकर क्यों चल रहा है? गधे ने उत्तर दिया, दौड़ते समय पैर में एक बहुत लंबा और मोटा कांटा चुभ गया है, उसी से पैर दुख रहा है और मैं लंगड़ाकर चल रहा हूँ। तो इस तरह से वो जो गधा था उसने उस कहावत को सोचा कि अब मैं सिद्ध ही कर दूँ। तो उसने क्या एक उपाय सोचा और एक पैर से लंगड़ा कर वह चलना शुरू कर देता है। जब बाघ उसके पास आता है तो बोलता है कि क्यों गधे, तू लंगड़ा कर क्यों चल रहा है? तो गधे ने क्या उत्तर दिया कि दौड़ते समय एक बहुत बड़ा कांटा और मोटा कांटा मेरे पैरों में चुभ गया है और मैं इसलिए मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है और पैरों में बहुत ही दर्द है और मैं लंगड़ा कर चल रहा हूँ। कहा फिर गधे ने कहा, यदि तुम मुझे खाने का विचार रखते हो तो पहले कांटा बाहर निकाल लो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे खाते समय वह कांटा तुम्हारे गले में अटक जाए और तुम्हें अपने प्राण खोने पड़े। बाघ ने सोचा, सही बात है, अगर मैं इसको खाऊंगा तो ये कांटा है मेरे गले में अटक जाएगा और मैं भी मर जाऊंगा। तब बाघ ने क्या करा, बाघ को गधे का कहना अच्छा लगा, जच गया। उसने गधे का वह पैर उठाया और बड़े ध्यान से उसमें कांटा ढूंढने लगा। गधे को यह अच्छा मौका मिला, उसने कसकर बाघ को दुलत्ती मारी। दुलत्ती यानी लात मारा, बहुत तेज़ लात मारा और बाघ के सामने तेज़ी से भाग गया। दुलत्ती की चोट पड़ते ही बाघ का मुंह टेढ़ा हो गया, उसके सामने वाले दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा हुआ और सोचने लगा, उफ, गधे की बुद्धि के सामने मेरा बल कुछ काम ना कर सका। तो इस तरह से बच्चों, अपनी बुद्धि के बल पर हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं और बड़े से बड़े ताकतवर व्यक्ति को, जानवर को हम हरा सकते हैं। आइए इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। हम मैदान में गधा क्या कर रहा था? तो मैदान में गधा हरी हरी कोमल घास चर रहा था। गधा किसे देखकर घबरा गया? गधा बाघ को देखकर घबरा गया। जब बाघ गधे के पैर से कांटा निकालने लगा तो गधे ने क्या किया? तीसरा प्रश्न है, जब बाघ गधे के पैर से कांटा निकालने लगा तो गधे ने क्या किया? उत्तर इसका लिखेंगे, जब बाघ गधे के पैर से कांटा निकालने लगा तो गधे ने दुलत्ती मारी। अगला क्वेश्चन है, गधे के दुलत्ती मारने पर क्या हुआ? उत्तर है, गधे के दुलत्ती मारने पर बाघ का मुंह टेढ़ा हो गया। आइए इसके नीचे वाला क्वेश्चन नंबर खा देखते हैं। लिंग बदलो। मुर्गा मुर्गी, लड़का लड़की, गधा गधी, बाघ बाघिन, धोबी धोबिन, हाथी हथनी, बकरा बकरी, शेर शेरनी। ठीक है, तो ये सब आप अपने बुक में फिल करेंगे। ओके, अगले क्लास में हम अगला चैप्टर देखेंगे।